नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। आज इस कार्यक्रम में हम ओमिक्रॉन से जुड़ी आपको कुछ रिसर्च के बारे में बताएंगे, कुछ मिथ को दूर करने की कोशिश करेंगे और कई सारी आपको जानकारी देंगे, क्योंकि ओमिक्रॉन अभी भी हमारे बीच में है और नए नए वेरिएंट जो है कोरोना के आते रहेंगे। एक सबसे बड़ा मिथ जो सामने आ रहा है, जो नॉन मेडिकल प्रोफेशनल है कई बार ये ऐसी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जो पेंडेमिक है वो खत्म हो जाएगा, अगले साल खत्म हो जाएगा, फला महीने खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी रिसर्च ऐसी है और विशेषज्ञ जो है मेडिकल लोग हैं वो कहते हैं कि जो वेरिएंट है ये तमाम नए नए वेरिएंट आते रहेंगे, हमारी सोसाइटी में रहेंगे। ये बात अलग है कि जैसे 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 समय बीतता रहेगा हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी और ये हमारी सोसाइटी में रहेंगे। जैसा कि HIV इन्फेक्शन है, कब आया था HIV इन्फेक्शन और अभी तक हमारी सोसाइटी में है, और कोई भी हम मेजर सर्जरी करते हैं तो सबसे पहले HIV इन्फेक्शन की जांच जरूर होती है, और इसी तरह लोग कोरोना के बारे में कह रहे हैं। तो ये मिथ बिल्कुल जो है दिल से निकाल देना चाहिए कि पेंडेमिक खत्म होगी, हमको अपने सेफ गार्ड है वो बना के रखने हैं। एक बड़ा मिथ है जो चल रहा है। दूसरा एक मिथ जो सामने आ रहा है कि ओमिक्रॉन का जो वायरस है वो हमारी जो मास्क है उसमें जो होल होते हैं उससे छोटा होता है, इसलिए मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो मास्क है, जो ऑर्डिनरी मास्क भी हैं, वो तीन लेयर के होते हैं, जैसे विशेषज्ञ बताते हैं पांच लेयर के होते हैं, इसलिए हमको मास्क जरूर पहनना है क्योंकि वायरस हमारी सोसाइटी में रहेगा। एक बड़ी रिसर्च उन लोगों के लिए है जो अभी तक जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, जो डर रहे हैं, जो किसी भी कारण से वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। यूएसए में भी हाल ही में एक रिसर्च हुई है जिसमें पता चला है कि 65 साल के 49% लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है जिनका, और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। 49% लोग, बहुत सी बड़ी संख्या में किशोर ऐसे हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी थी और उनका हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज्यादा था। इसलिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, और सर्वे ये भी शो कर रहे हैं, रिसर्च ये भी शो कर रही है कि बूस्टर डोज भी बहुत जरूरी है, ये हमें प्रोटेक्शन दे रहा है। एक और खबर हांगकांग से आई है जो बहुत ही दुख भरी खबर है, और जिस तरह से ओमिक्रॉन फैल रहा है हांगकांग में बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। और जो हैमस्टर होता है, छोटा चूहा की तरह होते हैं हैमस्टर, थोड़ी बहुत इनकी शक्ल हिरन जैसी भी लगते, छोटे चूहे होते हैं, हजारों हैमस्टर वहां मारे जा रहे हैं क्योंकि कई सारे एनिमल्स में कोरोना वायरस देखा गया, और जो है विशेषज्ञ हैं उनका ये डर है कि जो कोरोना वायरस है उनमें नया म्यूटेंट पैदा हो सकता है और वापस वो ह्यूमन में जा सकता है। तो ह्यूमन से एनिमल में फैला और एनिमल से वापस ह्यूमन में जा सकता है, इसलिए हजारों की संख्या में वहां हैमस्टर्स को मारा जा रहा है, कत्ल हो रहा है उनका, बहुत बड़ी संख्या में वहां पे लोग प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, प्रोटेक्शन इसके खिलाफ जो है आवाज भी उठा रहे हैं, प्रदर्शन भी हो रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है क्योंकि कोरोना का सवाल है, कोई भी कंट्री रिस्क नहीं लेना चाहती। और यूके में जो एक स्टडी आई है वो चौंकाने वाली है, पता चला है कि री इन्फेक्शन ओमिक्रॉन का हो रहा है, 13 से 19 दिन में कोरोना ओमिक्रॉन का री इन्फेक्शन सामने आ रहा है। ये बहुत माइल्ड है लेकिन री इन्फेक्शन हो रहा है, इसलिए ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि हम जो है इस वायरस से आने वाले समय में हमको मास्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वायरस हमारे बीच में रहेगा, इसके नए नए वेरिएंट सामने आते रहेंगे, और B2 वेरिएंट सुनने में आया है, सामने आ चुका है। और तमाम बातों पर हमने चर्चा की है, हमारे साथ एम वल्ली हैं, मेडिसिन इंचार्ज हैं गंगाराम हॉस्पिटल में, कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन में। डॉक्टर वल्ली, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ा तो यही जो सामने आ रहा है, जो इस तरह की भविष्यवाणी बार बार सामने आ रही है कि पैंडेमिक जो है खत्म हो जाएगी, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप इंतजार कीजिए बस, अभी आपको सुरक्षित रखिए अपने आप को, आने वाले समय में आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सेफ गार्ड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कितना सच है? क्या सच में कोरोना पैंडेमिक खत्म हो जाएगी या HIV इन्फेक्शन की तरह ये भी सालों साल और कितने साल तक हमारे बीच में रहे हम बता नहीं सकते हैं। और एक बात बहुत ज़रूरी मैं यहाँ बता दूँ कि ओमिक्रॉन की पेंडेमिक अभी ख़त्म होने वाली नहीं है। डॉक्टर एंटोनी फाउची ने कहा है कि किसी भी पेंडेमिक में 5 फेजेस होते हैं, और अभी हम इसके फर्स्ट फेज़ को ही लांग रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों में ओमिक्रॉन हमारे साथ रहने वाला है। आप याद कीजिए, जब HIV वायरस आया था तो हम लोग कितने सेंसिटिव हो गए थे, और आज वो हम कभी कभी उसका टेस्ट सर्जरी से पहले ही करते हैं, सबका टेस्ट नहीं करते। इसी तरह से ओमिक्रॉन के बाद या डेल्टा वायरस के और वेरिएंट्स के बाद ये हमारे समाज का एक हिस्सा बनेंगे, हमारे
वातावरण का एक हिस्सा बनेंगे और कम नुकसान पहुंचाएंगे, लोगों में इम्यूनिटी हो जाएगी। तो ओमिक्रॉन रहेगा, ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स भी आ सकते हैं नए, लेकिन ऐसा मैं मानता हूं कि वो कम संक्रामक होंगे। लेकिन ये कहना कि अब हम नियरिंग एंड ऑफ पेंडेमिक हैं और बस पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगा, और कुछ लोग जैसे भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, कुछ प्रोफेसर्स जो नॉन मेडिकल हैं उन्होंने भी ऐसी डेडलाइंस दे दी हैं, ऐसा नहीं होता है मेडिसिन में, कभी भी ऐसा नहीं होता है। हमको ऑब्जर्व करते रहना है और हमको सावधानी पूरी रखना है। जहाँ हमने सावधानी कम की, फ़ौरन केसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए इससे सावधान रहना है और हमें मास्क ज़रूर लगाना है। तो जैसे डॉक्टर बल्ली ने भी बताया कि हमारे वातावरण में आ चुका है ये बिल्कुल, और ये बात अलग है कि आने वाले समय में ये वेरिएंट कमजोर होता रहेगा, लेकिन हमारे बीच में रहेगा, प्रिकॉशन करनी पड़ेगी और कोई भी बड़ी चीज होगी तो इसकी जांच भी करवानी पड़ेगी क्योंकि हमारे वातावरण में आ चुका है। एक दूसरा बड़ा मिथ डॉक्टर बल्ली सामने आ रहा है, लगातार लोग बातें कर रहे हैं ऐसी कि जो ओमिक्रॉन वायरस है ये जो है ये बहुत छोटा होता है और जो हम मास्क पहनते हैं उसके अंदर से निकल जाता है, तो जरूरत नहीं है मास्क पहनने की। किस तरह से आप समझाएंगे लोगों को कि ये गलत है, ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है, और अगर ऐसा है भी तो मास्क किस तरह से हमारी रक्षा करता है? और एक लोगों ने थ्योरी निकाल दी है कि मास्क के जो पोर्स होते हैं वो ओमिक्रॉन के साइज से बड़े होते हैं, तो हम मास्क लगाएं ना लगाएं ओमिक्रॉन से नहीं बच सकते। मेरा कहना यह है कि मास्क अगर ऑर्डिनरी वाला भी है तो इसमें भी तीन लेयर्स होती हैं, और मास्क अगर आपका प्रॉपर है, फाइव लेयर्ड मास्क है, तो इसमें भी पांच लेयर होती हैं। तो अगर एक लेयर का पोर, अगर हम ये भी मान लें कि जो ओमिक्रॉन का साइज़ है उससे बड़ा है, तो जब तीन लेयर आपस में ओवरलैप करेंगी तो बंद हो जाएंगे पोर्स सब, और अगर पांच ओवरलैप करेंगी तो सारे ही बंद हो जाएंगे। तो ये मास्क लगाना अभी बहुत दिन आगे के लिए भी, छः महीने तक मैं कहूँगा ज़रूरी है, और मास्क शुड बी आवर हैबिट। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि चूँकि ओमिक्रॉन का साइज़ छोटा है, वायरस है, और इसको हम मास्क से नहीं रोक सकते, इसलिए हम मास्क ना लगाएं, ये बात बिल्कुल गलत है। क्लियर डॉक्टर वाली ने बताया है कि तीन लेयर होती हैं और किस तरह से ओवरलैप होती हैं, तो चाहे छोटा से छोटा वायरस हो वो प्रोटेक्शन करेगा, और जो पांच लेयर वाला है वो तो उससे भी ज्यादा फायदेमंद है। इसलिए जब भी आप भीड़ भाड़ ज्यादा भीड़ में जाएं तो कोशिश करें कि फाइव लेयर का जो मास्क होता है N95 वो ही आप पहने, और नॉर्मल आप रूटीन में आप जो सिंपल हमारा मास्क है वो पहन सकते हैं। डॉक्टर वली, आजकल जो मौसम चल रहा है कोल्ड और कफ बहुत ही कॉमन है, और ऐसे में बहुत ज्यादा एक कोई भी खांसता है तो डर लगता है उसके पास जाने से कि कहीं इसको कोरोना नहीं तो नहीं, ओमिक्रॉन तो नहीं है, कहीं किसी कोरोना और किसी वेरिएंट से पीड़ित तो नहीं। तो किस तरह से थोड़े बहुत ऐसे सिम्टम्स हैं जो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत लोगों में ये अपने आप में आइडिया लगे कि उनको ओमिक्रॉन नहीं है, सिंपल कोल्ड एंड कफ है, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत है? वैसे तो ओमिक्रॉन भी हो तो ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, लेकिन सिंपल अगर कोल्ड और कफ है, जिस तरह का मौसम चल रहा है, इतनी ठंड है, ऐसे में बहुत ज्यादा कफ की प्रॉब्लम आ रही है, रनिंग नोज की प्रॉब्लम आ रही है, निमोनिया के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि कफ बहुत ज्यादा जम रहा है छाती में, तो किस तरह से डिफ्रेंशिएट करें? और यहां पर एक सवाल यह भी होगा कि बूस्टर डोज कितना जरूरी है, और लोग जब बूस्टर डोज खुलेगा, खुला है कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए, जब खुलेगा तो क्यों हम लगवाएं बूस्टर डोज? तीसरी गलती जो लोगों ने समझने में की है ओमिक्रॉन को, वो ये है कि उन्होंने ये समझा कि ओमिक्रॉन और कॉमन कोल्ड एक सा है। ओमिक्रॉन अलग है, कॉमन कोल्ड अलग है। कॉमन कोल्ड का वायरस जो है वो अपनी इम्यूनिटी खुद देके जाता है, ओमिक्रॉन का वायरस संक्रमण पूरा करेगा, उसके बाद आपको इम्यूनिटी देगा, और आपको हो सकता है ऑक्सीजन की डिफिशियंसी भी हो जाए या ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाए, अगर डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, चेस्ट में पुराना फंगस पड़ा है, स्मोकर हैं। तो ये ओमिक्रॉन का जो इन्फेक्शन है ये दोनों तरह से काम करता है। तो आपको ओमिक्रॉन को कॉमन कोल्ड नहीं समझना है, बल्कि ओमिक्रॉन का मुकाबला टीके से करना है और मास्क से करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ओमिक्रॉन को कॉमन कोल्ड जैसा वायरस ना समझें। तो बूस्टर डोज कई स्टडीज आ चुकी हैं कि फायदा दे रहा है, इसलिए लगवानी जरूरी है। जैसा ही आम जनता के लिए खुलेगा वो उनको लोगों को लगवानी चाहिए, और जिन लोगों ने अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है, उम्मीद है कि वो तमाम तरह की रिसर्च जो सामने आ रही है उनको देखकर, पढ़कर, सुनकर
कोरोना वैक्सीन लगानी शुरू कर देंगे क्योंकि अब ये इजिली अवेलेबल है, और उसके बाद बूस्टर डोज भी जरूर लगवाएं। और जहां तक सिम्टम की बात है दोस्तों, ये बहुत ही अहम है, इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा चल रहा है हर घर में खांसी जुकाम है और लोगों को डर लगता है कहीं ओमिक्रॉन के सिम्टम तो नहीं है, कोरोना के किसी और वेरियंट के सिम्टम नहीं है। तो ओमिक्रॉन के सिम्टम थोड़े बहुत यहाँ पे थोड़े से अलग होते हैं, सिर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, इसमें एक डिफरेंट होता है, ये सिर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, जबकि कोल्ड और कफ जब होता है सिर में इतना दर्द नहीं होता, रनिंग नोज बहुत ज्यादा होती है, और जबड़े में यहाँ पे कहा है जैसे डॉक्टर ने बहुत ज्यादा आपको दर्द होगा, उसके साथ बुखार आएगा। तो दो तीन सिम्टम ये बहुत ही सिवियर है कि सिर दर्द बहुत ज्यादा होता है जब ओमिक्रॉन आपको होता है, रनिंग नोज लगातार बनी रहती है, जबड़े में दर्द होता है, बुखार आता है, लूज मोशन भी हो सकता है। तो दोस्तों ये प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि आप में जो सोसाइटी में कुछ मिथ फैल जाते हैं उन मिथ से हम बच कर रहे, नई नई स्टडीज आती है उनको देखिए, उनको परखें, और इसी के अकॉर्डिंगली आप अपने सेफ गार्ड जो है सुरक्षित रहें, आप अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि आपका सुरक्षा कवच मास्क ही है, मास्क ही आपको बचाकर रखेगा। ओमिक्रॉन हो या कोई और वायरस हो या B2 वायरस जो आ गया है, चाहे वो डेल्टा वायरस अभी भी हमारी सोसाइटी में हो, किसी भी तरह का खतरा हो, आपके हर खतरे का जवाब मास्क है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें, और अगर जाते भी हैं तो आपको 5 लेयर वाला मास्क पहनना है। न्यूज दशा की कोशिश पूरी रहती है कि जब से पैंडेमिक हुई है कोरोना की, इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको तमाम तरह की जानकारी देते हैं एक्सपर्ट के माध्यम से, कोशिश रहती है छोटी से छोटा जो मिथ है सोसाइटी में उसको दूर किया जाए, आपको मैक्सिमम जानकारी दी जाए जिससे आप कोरोना से बच कर रहे हैं, आप और आपकी फैमिली। इसलिए अब बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की।